तो चलिए बिलासपुर में पहली बार एग्लोनीमा का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मतलब जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे, प्लांट नहीं मिलते थे यहाँ पर, आप लोगों ने बाहर देखे रहे होंगे। अगर आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं तो आप यहाँ पर एग्लोनीमा का कलेक्शन आकर देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा कलेक्शन इस बार आया हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट ये देखिए, नाम तो मुझे नहीं पता है पर प्लांट काफ़ी सुंदर है और हेल्दी से हैं और अभी बिल्कुल न्यू आए हुए हैं, तो आप लोग आकर यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और उसके बाद ये जो है ये स्नो वाइट एग्लोनीमा है, जो कि लगभग ये तो मिल जाता था लेकिन ये नई वेराइटियाँ हैं। उसके बाद ये देखिए ये वेराइटी है, काफ़ी खूबसूरत सी वेराइटी है, बहुत ही सुंदर सुंदर इसके पत्ते और मतलब बहुत ही सुंदर से प्लांट हैं। तो काफ़ी सुंदर से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आकर के यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करिए। अगर आपको एग्लोनीमा की वेराइटी अपने गार्डन में रखनी है तो आप इसको ज़रूर यहाँ से लेकर के जाइए। और इसके बाद ये देखिए ये वेराइटी, एक प्लांट है इसका मेरे पास, मैं यहीं से ले गई थी बहुत मतलब लगभग 2 साल पहले, लेकिन वो इतने अच्छे और इतने बड़े नहीं हो पाए हैं अभी भी। इनकी ग्रोथ बहुत ही कम, स्लो ग्रोथ होती है शायद, इस वजह से वो छोटे छोटे हैं मेरे पास। लेकिन ये भी काफ़ी सुंदर रेयर वेराइटी है, देखिए बहुत प्यारा सा है। और मैंने तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्लोनीमा मिलते थे ज़्यादातर। और इसके बाद एक वेराइटी ये है देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर प्लांट है। और देखिए थोड़ा सी अलग न्यू वेराइटी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर इसके पत्ते हैं। इसमें अभी कलर और आएगा, ये थोड़ा और डार्क होता है अभी, ये एकदम मतलब ग्रीन नेट, ग्रीन हाउस के नीचे, पॉली हाउस के नीचे रहे होंगे, तो पॉली हाउस में यहाँ पर भी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एकदम से मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल छाया वाली जगह से इनको उठा करके यहाँ पर लाया गया है, इसलिए अभी इनमें कलर और ऐड होगा क्योंकि मैंने देखा है इसमें कलर और ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा रेड कलर और आता है। जैसे ये देखिए इस पत्ते में है, इस पत्ते में है, अभी इनमें भी इसी तरह से कलर आएगा, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और 1, 2, 3, 4 ये जो 5वीं वेराइटी में दिखा रही हूँ, 6वीं वेराइटी ये है देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए। ग्रीन एकदम डार्क ग्रीन है और बहुत ही सुंदर से हैं। तो इनके प्राइस अभी मुझे पता नहीं क्योंकि अभी बस ये शिफ्ट कर रहे हैं और अभी टैग नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो बाद में मैं आपको प्राइस बता दूँगी। और इसके बाद मैं आपको उस पार चल के और दिखाऊँगी, और भी वेराइटी हैं। ये देखिए एक वेराइटी, ये वेलेंटाइन एग्लोनीमा है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रेड एग्लोनीमा भी कहीं पर इसको बोला जाता है, लेकिन रेड एग्लोनीमा थोड़ा और ज़्यादा रेड पत्तियाँ उसकी रहती हैं। तो ये देखिए ये भी वेराइटी काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसके बाद ये है लिपस्टिक एग्लोनीमा, लगभग 8, 10 से 12, 15 वेराइटी यहाँ पर एग्लोनीमा की आई हुई है। तो अगर आप एग्लोनीमा के शौकीन हैं तो ज़रूर आकर के यहाँ से कलेक्ट कीजिए, अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी प्लांट, जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपको हेल्दी और खूबसूरत से प्लांट मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए पूरा एग्लोनीमा का ही कलेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ में पीस लिली का एक न्यू कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इधर देखिए ये भी सारे मतलब एग्लोनीमा की ही वेराइटी में आते हैं प्लांट, थोड़ा डम के ने डिफेन बेकिया की वेराइटी में हम इसको ले लेते हैं, लेकिन ये सारे लगभग एक जैसे ही होते हैं, ये भी एग्लोनीमा की ही वेराइटी होती है। उसके बाद देखिए एक ये है, ये भी एक न्यू वेराइटी है जो कि अभी तक हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल थी। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इसके पत्ते भी, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन जो स्नो वाइट एग्लोनीमा होता है ना, लेकिन ये ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल न्यू वेराइटी है। और इसकी मिट्टी अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखिए इस तरह की मिट्टी में लगे हुए प्लांट है, बिल्कुल रेत जैसी मिट्टी है और बहुत ही मतलब खूबसूरत प्लांट हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद एक वेराइटी ये है देखिए, ये भी एक बहुत ही सुंदर और रेयर सी वेराइटी है, काफ़ी खूबसूरत है। तो आप यहाँ पर आ करके एग्लोनीमा ले सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कलेक्शन। यहाँ से 1-2 मतलब जो वैरायटी है वो मैं लेकर जाऊंगी। तो ये देखिए एक वैरायटी है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए ये है। इसके बाद देखिए ये बिगोनिया की वैरायटी है एक, और ये सफलेरा हैं। इधर देखिए ये फिलोडेंड्रोन बिरकिन है, ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होते हैं, आप इसको अपने अब घर में ले जा सकते हैं।
बहुत ही सुंदर प्लांट है। इधर दिखा दूँ आपको तो बहुत सुंदर, इंडोर प्लांट की तो बहुत अच्छी वेरायटी है, मतलब देख के मन खुश हो जाता है। ये देखिए इधर जनाडो के प्लांट हैं जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, ये देखिए बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मेरे पास भी है एक प्लांट, और ये छोटे छोटे प्लांट ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। उधर भी एग्लोनिमा के बहुत सारे प्लांट हैं, देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा, और इधर देखिए मनी प्लांट, रेड माचिस के नाम से इसका नाम है। इसका प्लांट ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। ये 100 प्लांट ही है, लेकिन इसकी पत्तियों में देखिए इतनी शाइनिंग है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। 150 इसका प्राइस है, जो देखने में काफ़ी मतलब अच्छा और सुंदर सा प्लांट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा आज का इंडोर प्लांट का कलेक्शन। वैसे मैंने दिखा दिया, मैं दिखाती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार का जो एग्लोनिमा की वेरायटी देख के मन खुश हुआ है ना, आप लोग भी आएंगे यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार अगर आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं तो ज़रूर विज़िट करिएगा और अपनी मनपसंद के प्लांट यहाँ से लेकर जाइएगा। तो प्राइस की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, आप आकर के पता कर लीजिएगा जो भी प्राइस होंगे इनके। तो इसके बाद और भी आपको दिखा दूँ, देखिए ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी, और भी मतलब आपका बड़ा सा गार्डन है जैसे तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के प्लांट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप ले करके जा सकते हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट की वैरायटी भी है यहाँ पर, और ये देखिए कितने बड़े बड़े, ये बनाना पाम है जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। इधर देखिए कलाथिया में भी ढेर सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, कलाथिया के बहुत सुंदर प्लांट हैं और सभी के पत्तों से ही मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखिए। तो इनकी भी वैरायटी आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर और हेल्दी से प्लांट है, ये देखिए। और ये यहाँ पर भी रेक्स बिगोनिया का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, बहुत सुंदर सुंदर है, ये देखिए। यहाँ पर देखिए विंटर की सीडलिंग भी हो गई है, और ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। इधर एरोकेरिया का प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो एक बार मैं आपको पूरी नर्सरी यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो आप आकर के यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपने मनपसंद के प्लांट ले सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी है, मेरी फेवरेट नर्सरी है ये, जो कि मैं यहीं से प्लांट लेकर जाती हूँ। और बहुत अच्छा कलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि प्लांट मेरे घर से पास भी पड़ती है, लेकिन यहाँ का जो प्लांट का कलेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मुझे ये नर्सरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहीं से प्लांट लेकर के जाती हूँ और मेरे गार्डन में आपने देखे होंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।